मसला यही है, हम 2013 से वहाँ शिफ्ट किया था, 2013 में हमें गिवराज दिया गया। इस वक्त सबसे बड़ा मसला यही है, 2013 में हमें गिवराज दिया गया, इस वक्त वो हमसे छीना जा रहा है। इसलिए जब तक हमें गिवयार्ड के डॉक्यूमेंट्स आज यहाँ नहीं मिलेंगे, हम यहाँ से हटने वाले नहीं, बस इतनी बात है। बाकी ठीक है, प्रॉब्लम है, सबसे प्रॉब्लम यही है गिवयार्ड, क्यों आखिरत के लिए हम मांग रहे हैं, हम कैम्पलेक्स के लिए जमीन नहीं मांग रहे, हम आखिरत के लिए मांग रहे हैं जमीन, जो गवर्नमेंट ने हमें डीसी लावड़ा ने दिया उस वक्त, मगर खाली जबानी लिख के नहीं दिया। जब तक आज वो हमें लिख के नहीं देगा, हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। बाकी वहाँ बिजली की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम, वो तो उनको देना ही है, साले की प्रॉब्लम वो तो उनको देना ही देना पड़ेगा। लेकिन जो ये आखिरत के लिए जमीन हमें दिया गया, आप ब्रोकर्स दिया गया, ब्रोकर्स को इशू किया गया, जब तक वो आज हमें वापस नहीं मिलेगा, हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। दैट इज ऑल, इतना ही। जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे स्कूल भी नहीं है, एक तो ये प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, और यहाँ तक कि मोदी सरकार बोल रहे हैं, सरकार बोल रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यहाँ तक कि स्कूल ही नहीं, बेटी क्या पढ़ेगी, बेटी क्या बचाएगी। कब्रिस्तान का हमारी मांग, हम तो मजदूर है सारे, तो मजदूर है, कोई इंजीनियर नहीं है, कोई डॉक्टर तो नहीं है, इसीलिए हम हमसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारा हमको स्कूल दे, हमें 5 किलोमीटर जाना पड़ता है, एक तो रोड भी नहीं है, खराब है रोड। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारा स्कूल हमें वापस दीजिए, और हमें स्कूल अपना, हमें तो अपनी जिंदगी बर्बाद तो नहीं करनी है, पढ़ते लिखते से हम डॉक्टर भी बन सकते, इंजीनियर भी बन सकते, इसीलिए हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमें स्कूल दीजिए, इस रखी आदत में हमें स्कूल सिलेक्ट कर।